शहबाज गिल के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में अब भी सबसे ज्यादा जो तिलमिला रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो मेरे और आप जैसे दीवाने लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, मालिक हैं, मजहर है, ये अभी वो पिम्स में दाखिल है ना। मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग वहां पे इस वक्त मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब के लिए बेहतर ना होता कि उस सेमिनार में जाने से पहले कहते कि मैंने जरा उसको देखना अपने। अरे जो बंदा शहबाज गिल अस्पताल नहीं पूछन गया, उन्हें मेरा कितना मालूम बनना भाई जी, घर बैठो। सर इस तरह नहीं होता ना। हमने भी थोड़ा सा अपने तौर पर कोशिश की थी कुछ दिए जलाने की, नहीं रहे भाई साहब। हम तो थक गए, हार गए। एक यहाँ पे दीवाना था इस मुल्क में, उसका नाम था हबीब जालिब। उसने तो सारी जिंदगी लगा दी, सारी जिंदगी उजाड़ दी। वो बेचारा भी अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ये पुकारने को मजबूर हो गया था, हमारे गम का जालिब मदावा हो नहीं सकता। उन्होंने शेर तो कोई और लिखा था इसके बाद, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हर दो नंबर को चारागर हम तस्लीम करते हैं। हमारे यहाँ आपने सियासत को डिस्कस करना है तो खुदा का वास्ता है पहले ये देखें कि अख्तियार, ताकत, पावर, इस पे इजारा किसका है। वो इजारा 1950 से जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत के आने के बाद इस्टेब्लिश हो गया है, और उसके बाद जितना भी अरसा गुजरा है उसमें वो हेगेमनी ऑफ पावर, वो ताकत पर इदारा इजारा जो है वो मजबूत तर हुआ है। और सियासतदानों के हाथ, मिसाल के तौर पर मैं एक आपको एक पॉइंट बताता हूं, अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बाकायदा इदारे का नाम लेकर कह रहे हैं ना कि वो बता रहे थे कि ये बड़ा करप्ट है, ऐसा करें अभी गाड़ी पकड़े, शायद खकान नवासी के घर चले जाए, कहीं यार मैंने इधर उधर से पता किया है, पता चला कि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें तो ऐसे ही यार कसूरी चक्की में रखा हुआ था, मुझे तो यार ISI वालों ने कहा था आओ ऐसा करो, मैं और तुम मिलकर ना ISI के खिलाफ धरना देते हैं, कभी हम लोगों को क्यों बदनाम करते हो, क्यों गुमराह करते हो सियासतदानों को, ये कह रहे हैं ये बात। ये तो कह रहे हैं कि नहीं, अपने रवैये पे नजरसानी कीजिए, दोबारा ये रिपोर्ट दीजिए कि शायद खाकान अब्बासी करप्ट है, ये जमानत पे क्यों आई, वो तो ये फरियाद कर रहे हैं उसी इदारे से। मुझे आप बताइए आप मैसेजिंग क्या कर रहे हैं, खुदा के लिए मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। अब बाकी ये कि ट्विटर और यूथ बल्ब, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये इदाद और शुमार, मैं भैया एक यानी पुराने वजाकान पढ़ कस्म का आदमी हूँ, मेरी समझ में ये बातें नहीं आती। इमरान खान साहब के दौरे इकतदार में हुआ ये था कि मेरे ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया था, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था, तो मैं स्क्रीनों पर नहीं था। उसके बाद से मैं जब से आया हूँ ना, तो मुझे बार बार मालिक साहब जैसे यानी पढ़े लिखे लोग, इन बेचारों ने मुझे यानी पहली मरतबा लाए थे, इन्होंने देखा मेरा चेहरा इस काबिल हो गया है और आवाज़ के मैं आ सकूँ, तो ये यूथ बल्ज नामी चीज़ की बात कर रहे थे। इनका ये ख्याल था कि जिन दिनों मैं स्क्रीन से गायब था तो शायद मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। तो मैंने उस दिन इत्तेफाक से मज़हर भी, जो बहुत जय्यत किस्म के इनकलाबी भी हैं, इनके हाँ वो हमेशा वो जज्बा रहता है, इन्होंने काफ़ी बच्चों को कुर्बान किया है और यानी कि गुमराह किया है, लाजिम है कि हम भी देखेंगे कि ख्वाब दिखाते हुए। तो मैंने इन दोनों हजरात से मुअद्दबाना सिर्फ ये दरख्वास्त की थी कि भैया क्या ये सोशल मीडिया बर्मा नामी मुल्क में नहीं पहुंचा था, और ये बताइए ये नाम निहाद अरब बहार ये कौन से मुल्क से शुरू हुई थी, मिस्र उसका नाम है, और आजकल वहां पे क्या हालात है। सर ये जो होता है ना क्लिक एंड बेट, ये क्लिक सीकिंग रेवोल्यूशन नहीं होता कोई, रेवोल्यूशन वही होता है जो मौजा तुंग ने कहा हुआ है कि इट्स नॉट अ डिनर पार्टी, ओके, एंड इसके लिए कोई और स्ट्रेटजी होती है। मैं मालिक के इस फिक्रे से तो मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि ग्लव्स आर ऑफ, लेकिन इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि किसके ग्लव्स। मेरा अपना ख्याल है कि अब ग्लव्स जो हैं उनकी तरफ से उतरे हैं जिन्हें गुज़श्ता 3-4 महीनों से इमरान खान साहब मुस्तकिल, मीर, जाफर और सादिक पुकार रहे थे, और उस ग्लव उतारने का जो पहला ट्रेलर अगर आप फिल्मी जुबान में बात करें तो वो शहबाज गिल साहब के साथ होने वाला सलूक। देखिए एक बात मैं आपको बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि शहबाज गिल साहब का जो कंडक्ट रहा एज स्पोक्स पर्सन वो इंतहाई OTT था, और वो तू तराज से दुष्नाम तराजी में दाखिल हो रहा था। लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है कुछ उसूलों की नजर की है अपनी बसीर सी औकात में, छोटी सी औकात में, उनमें से ये है कि आपको किसी की
जिस्मानी तशद्दुद के जरिए तजलील का कोई हक हासिल नहीं है। और ये बात करते हुए मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आज इमरान खान साहब जो हैं आज़ादी सहाफत के नाम पर हुए एक सेमिनार से खताब कर रहे थे, तो वहाँ क्या मुजायका था कि वो तीन चार ऐसे अफराद के नाम ले लेते। मिसाल के तौर पर हामिद मीर अभी भी जो है अपने पेट में गोलियां लेकर घूम रहा बिल्कुल है। शहबाज गिल के टॉर्चर की तफसील के साथ किस शख्स ने, किस सहाफी ने, वो भी जियो के प्लेटफॉर्म पर, अनदर एक ऐसा टेलीविजन जो हमेशा इमरान खान साहब और उनके चाहने वालों की नफरत की उनकी आग उनके निशाने में रहता है। तो साहब अगर उसको भी आप बड़े दिल से एक्नॉलेज कर लेते, सियासत का बुनियादी सबक ये है यार कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाते हैं, जो आपसे नाराज हो चुके होते हैं आप उन्हें अपने साथ मिलाते हैं। लेकिन अब उधर से ग्लव्स उतरे हैं, मैं बहुत माजरत के साथ जान की अमान पाते हुए कहूंगा इमरान साहब गलती कर रहे हैं, ये 2014 वाले मोड में जा रहे हैं अंपायर की उंगली। अब अंपायर की उंगली को दूसरे अंदाज में कह रहे हैं कि अपने फैसलों पर जरा नजरसानी कीजिए। दरख्वास्त करते हुए शायद उनके जहन में ये है कि अगस्त तकरीबन गुजर गया है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, आज के दौर में जितने भी टूल्स हैं इफेक्टिव स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन के बड़ी महारत से दिखाए हैं, और इस वक्त जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उसकी बदौलत वो अपनी मकबूलियत की इंतहा पर है। लेकिन आज की उनकी तकरीर जो है वो दो मैसेजेस दे रही है, एक तो ये कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेटजी है और या तो उंगली का इंतजार है, दूसरा ग्लव उतरे हैं तो थोड़ा सा जरा गिल साहब के जरिए जो यानी तत्ती हवा आई है वो कुछ महसूस होना शुरू हुई है। मेरा ख्याल है ये गलत मैसेज। नुसरत साहब आपका भी यही व्यू है सर इस हवाले से कि इमरान खान साहब क्या जो ये अपेरेंटली लड़ाई है या ग्लव्स ऑफ हुए हैं इसका फायदा इस हुकूमत को, जिसके अंदर वाजे तौर पर वैसे तो जान जून नहीं नजर आती सिवाय बुरी खबरें सुनाने के और कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन कोई फायदा होगा सियासी तौर पर इन्हें? जी हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शौकत अजीज साहब की तरह कम अज कम और काफी अरसा गुजार लेंगे, लेकिन सियासी तौर पर सियासी एतबार से इस हुकूमत से वाबस्ता जो भी लोग हैं मेरी दानिश में दे आर फास्ट हेडिंग टू डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शौकत अजीज की तरह यकीनन काफी अरसा अच्छे खुशगवार तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। आई विश आई कुड कॉल हिम जफरुल्ला जमाली, बट लेकिन चूंकि ये अपने आप को इकोनॉमी वगैरह और मिफ्ता इस्माइल शायद आइंदा केयर टेकर गवर्नमेंट में भी अपनी को लंबी कोई जगह बना लें तो उनकी मुस्तकबिल सुहाना है। PMLN का जो है उसका इस पूरी गेम में कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद मालिक साहब, नुसरत और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत से मामलात तरी खुलकर हमने उनके सामने रखे, उनका तबसरा और तज्जिया आपके सामने था, उसका फीडबैक आपने देना है, देखने का बहुत शुक्रिया।